और इस वक्त एक बड़ी खबर आपको दे देते हैं। किसानों के आंदोलन से राजधानी में जाम लगा हुआ है। नोएडा दिल्ली लिंक रोड पर भारी जाम है। सुरक्षा के लिहाज से बढ़ाई गई है चौकसी। दिल्ली बॉर्डर पर बैरिकेटिंग की गई। नोएडा में एहतियातन 144 लागू की गई है। दिल्ली जाने वाली गाड़ियों की चेकिंग, किसानों को दिल्ली बॉर्डर पर रोका जा रहा है। ये इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। तो तस्वीरें आप देख सकते हैं किस तरीके से जाम की भयंकर स्थिति जो है वो नजर आ रही है। रोड जो है वो पूरी तरीके से जाम नजर आ रही है। किसानों का संग्राम जिसको लेकर फिलहाल जाम की स्थिति बनी हुई है। रोड एक्सप्रेसवे पर काफी लंबा जाम नजर आ रहा है। एक्सक्लूसिव तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। किसानों ने संग्राम किया है और हर तरफ जाम का जाम जो है वो देखने को मिल रहा है। तो आप देख सकते हैं कैसे किसान जो है वो सड़कों पर हैं, और चूंकि किसान सड़कों पर हैं तो ट्रैफिक का जाम जो है वो भी नजर आने लगा है। सड़कें ब्लॉक हैं और इसीलिए गाड़ियां जो हैं वो सड़कों पर फिलहाल दिन में रेंगती हुई नजर आ रही हैं, और आम जनता को फिलहाल परेशानी जो है वो जरूर शुरू हो चुकी है। नोएडा एक्सप्रेसवे पर लंबा जाम जो है वो इस वक्त नजर आ रहा है, और ऐसे में अगर नोएडा एक्सप्रेसवे से आप जा रहे हैं तो रूट डाइवर्ट करने में ही समझदारी होगी, क्योंकि काफी ज्यादा लंबा जाम जो है वो यहाँ पर देखने को मिल रहा है। नोएडा के किसान आज दिल्ली कूच कर रहे हैं, जिसके मद्देनजर दिल्ली यूपी गाजीपुर बॉर्डर पर पैरामिलिट्री फोर्स के साथ बड़ी संख्या में दिल्ली पुलिस के जवान तैनात हो गए हैं। हालांकि किसानों की योजना नोएडा दिल्ली बॉर्डर से होते हुए दिल्ली जाने की है, लेकिन एहतियात के तौर पर गाजीपुर बॉर्डर पर भी भारी पुलिस फोर्स तैनात किया गया है, जिसकी वजह से दिल्ली गाजीपुर बॉर्डर यूपी गेट पर लंबा जाम लगा हुआ है। तो हर तरफ जाम जो है वो देखने को मिल रहा है। दिल्ली गाजीपुर बॉर्डर के पास भी लंबा जाम इसी वजह से लगा हुआ है, क्योंकि रूटों का डायवर्जन भी हो रहा है, और एक तरफ किसान संग्राम कर रहे हैं सड़कों पर हैं, तो इसका खामियाजा आम जनता को भुगतना पड़ रहा है। और नोएडा से हमारे संवाददाता शिवांग मिश्रा की रिपोर्ट देखिए। ये आप देखिए तस्वीरों में आपको दिखाई दे रहा है कि यहाँ पर महामाया फ्लाईओवर पर इस वक्त हम लोग मौजूद हैं, और महामाया फ्लाईओवर पर किसानों का आप देख सकते हैं कि किसानों ने मार्च करना शुरू कर दिया है। ये आप देख सकते हैं तस्वीरों में कि लगातार आप देखिए कि किसान जो है वो लगातार मार्च कर रहे हैं। और दूसरी तरफ आप ये देखिए नोएडा पुलिस ने यहीं पर ही रोक दिया है। ये आप देखिए, नोएडा पुलिस ने कि लगातार नोएडा पुलिस किसानों को रोकने की कोशिश कर रही है, और दूसरी तरफ जो किसान हैं वो आपको दिखाई देंगे यहाँ पर तस्वीरों में कि वो लगातार आगे बढ़ रहे हैं। तो अभी ये स्थिति है जहाँ पर नोएडा पुलिस बनाम किसान की स्थिति यहाँ पर बन चुकी है। भारी संख्या में आप देखिए कमांडो दस्ता, नोएडा पुलिस का कमांडो दस्ता, वो आप देखिए नोएडा पुलिस के कमांडो दस्ता लगातार रोकने की कोशिश कर रहा है यहाँ पे, लेकिन किसान अपनी मांग से दूर नहीं हट रहे हैं, और लगातार आप देखिए लगातार किसान मार्च कर रहे हैं। महिलाएं भी हैं किसानों के बीच में, और अब ये आप देखिए कि अब किसानों के आगे आगे लगातार नोएडा पुलिस लगातार आगे बढ़ रही है। नोएडा पुलिस की आगे आगे चल रही है, और उनके पीछे आपको किसान दिखाई देंगे। तो अभी देखिए अभी की स्थिति, ये अभी ताजा स्थिति है यहाँ की, जहाँ पर आपको नोएडा पुलिस और किसान आगे बढ़ते हुए दिखाई देंगे। नोएडा पुलिस किसान भारी संख्या में यहाँ पर आए हैं, सैकड़ों की संख्या में यहाँ पर किसान मौजूद है। और अब आप देखिए ये आप देखिए अब इस स्थान पर यहाँ पर नोएडा पुलिस ने रोक दिया है किसानों को, और ये आप देखिए अब लगातार बहस चल रही है, लगातार किसान नेताओं की, किसानों की और नोएडा पुलिस की लगातार बहस चल रही है। ये आप देखिए नारेबाजी शुरू हो चुकी है, नोएडा पुलिस लगातार किसानों को समझा रही है कि धारा 144 लगी है, उन्हें नहीं यहाँ से अनुमति दी जा सकती है यहाँ से आगे बढ़ने की, लेकिन किसान लगातार नोएडा पुलिस के सामने ये जिद कर रहे हैं कि आज क्योंकि उनका कूच का प्रोग्राम था तो वो नहीं रुके।
स्थिति है यहाँ पर नोएडा में। तो ये बता दें आपको, संसद कूच करने की कोशिश भी किसान कर रहे हैं, लेकिन आप तस्वीरों में देख रहे होंगे किस तरीके से किसान जो है वो सड़कों पर आगे बढ़ते जा रहे हैं और रोकने की कोशिश भी उन्हें चल रही है। एक्सक्लूसिव तस्वीरें इस वक्त आप जी उत्तर प्रदेश उत्तराखंड पर देख रहे हैं, किस तरीके से महिला किसान और पुरुष भी यहाँ पर डटे हुए हैं। हालांकि पुलिस फोर्स भी यहाँ पर डटी हुई है किसानों को रोकने के लिए, लेकिन भारी तादाद में किसान जो है वो सड़कों पर इस वक्त मौजूद है, उनको रोक पाना थोड़ा मुश्किल नजर आ रहा है, क्योंकि तमाम महिला जो है वो भी यहाँ पर साथ साथ चल रही है। ये तस्वीरें आप देख सकते हैं, ड्रोन के जरिए भी निगरानी की जा रही है, ड्रोन के जरिए भी तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं किस तरीके से पुलिसकर्मी जो हैं वो देखिए तैनात हैं यहाँ पर। पुलिसकर्मियों की तमाम गाड़ियां भी यहाँ पर मौजूद हैं, और उसके अलावा ट्रैफिक जाम की जो समस्या है वो यहाँ पर ज्यादा देखने को मिल रही है। इन्हें रोकने की भी कोशिश फिलहाल की जा रही है, लेकिन कितनी सफलता इसमें मिल पाती है ये जरूर देखने वाली बात होगी। लेकिन कुल मिलाकर सड़कें जो हैं वो वाहनों से फिलहाल इस वक्त पटी पड़ी हैं और रेंगते हुए वाहन सड़कों पर नजर आ रहे हैं। ड्रोन के जरिए तस्वीरें ली गई हैं और उससे आप देख सकते हैं कि क्या स्थिति है।